हेलो, आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा बहुत ही टेस्टी एक डोनट जो बहुत सिंपल है। ये ट्रेडिशनल डोनट से एकदम हटके है, एकदम ब्रेड से हम बनाएंगे, तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो चलो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला बहुत ही सिंपल सा डोनट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये आज हम ब्रेड से बनाएंगे जैसे मैंने कहा था। तो इसके लिए हम ब्रेड लेंगे एंड इसको अगर आपके पास बड़े वाले कुकी कटर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे कटोरी से भी कट कर सकते हो। एंड साइड पे जो ब्राउन ब्राउन पार्ट्स रहते हैं ना उसको भी हटा देना। बीच का पार्ट भी ऐसे छोटा कुकी कटर मेरे पास था तो मैंने उसको कट कर लिया। आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन से इसका बीच का पार्ट भी हटा के इसको ऐसे कट कर लेना। एंड फिर ऐसे दो ब्रेड हमको चाहिए एक डोनट बनाने के लिए। एंड थोड़ा सा ऐसे चॉकलेट को ना हल्का सा मेल्ट करना, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। तो इसको ऐसे अगर ज़्यादा मेल्ट हो जाता है तो थोड़ी देर रख दो बाहर पे, अगेन सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल हाथ की हेल्प से ऐसे आप स्प्रेड कर दो। ज़्यादा लिक्विडी चॉकलेट दोगे तो यह साइड से निकल जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे दिया है। एंड फिर ऊपर से दूसरा ब्रेड देके ऐसे बिल्कुल सैंडविच की तरह बना लो। फिर इसके बाद आप जितने भी डोनट बनाना चाहते हो ऐसे तैयार कर लो। इसके बाद एक बोल में आप जितना डोनट बनाओगे उस हिसाब से बैटर तैयार करना, काफ़ी थीक बैटर तैयार करना है। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड टेस्ट वाइज आप जितना मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से शुगर देना, थोड़ा सा वैनिला एसेंस एंड थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि काफ़ी थीक एकदम एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। फिर उस बैटर में ऐसे ब्रेड को एकदम अच्छे से डीप करो, पूरा साइड से हर साइड से एकदम कोट कर लो एंड ऑयल को मीडियम हॉट करो। फिर मीडियम फ्लेम में इसको दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में इसलिए करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में करोगे तो बहुत जल्दी बाहर का सरफेस ब्राउन हो जाएगा बट अंदर से कुक नहीं होगा। एंड अगेन अगर बहुत कम में करोगे यानी कि लो फ्लेम में करोगे तो बहुत ही च्यू हो जाएगा ये, तो इसीलिए फ्लेम का एडजस्टमेंट देख लेना। मीडियम टू हाई के बीच में रख के इसको अच्छे से ब्राउन कर लो हर साइड से। एंड फिर एक गरम पानी के सॉस पैन के ऊपर मैं यहाँ पे, मेरे पास ये पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट था, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हो, लाइक मिल्की बार ले सकते हो या तो फिर आप डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो वो लेके थोड़ा सा मेल्ट कर लो। एंड जो डोनट हमने बनाया उसको एक साइड से जस्ट डीप करके ऐसे हाथों से ना थोड़ा सा टैप कर लेना, तो फिर ऊपर का जो सरफेस है वो एकदम प्लेन ऐसे बिल्कुल बाहर के जैसा देखने में लगेगा। तो देखने में कमाल का लग रहा है ना, तो ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल दे दो अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो, वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो बस ये हो गया बनके तैयार। इसको थोड़ी देर 5 मिनट्स के लिए जस्ट फ्रिज में रखो, रेफ्रिजरेटर में, तो चॉकलेट सेट हो जाएगा, ऐसे बाहर में भी सेट हो जाता है। तो बस ये हो गया बनके तैयार, अंदर में भी चॉकलेट ब्रेड, ऊपर में भी चॉकलेट, बहुत बढ़िया था टेस्ट में, डेफिनेटली ट्राई करना। बच्चों को आप टिफिन में भी इसको दे सकते हो, काफ़ी टेस्टी था। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो।